श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। आज हम आपको बताएंगे कि अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ होता है। शिवलिंग के पास अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वो काफ़ी लोग नहीं जानते हैं और पूजा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो आज हम आपको शिवलिंग का स्थान बताएंगे कि उसमें अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ होता है, गणेश जी का स्थान कहाँ होता है, भगवान कार्तिकेय का स्थान कहाँ होता है, यह सब जानकारी आपको दे रहे हैं। शिवलिंग की गोल जलाधारी जिस पर हस्त कमल पर शिवलिंग विराजमान है वह माता पार्वती का स्थान होता है। जहाँ से जल नीचे की तरफ आता है, जब आप ऊपर जल चढ़ाते हैं, जल गिर के हस्त कमल पे आता है, फिर वहाँ से एक लाइन बनी होती है नीचे की तरफ जाने के लिए। वहाँ तीन लाइन बनी होती है, आप लोग ध्यान से देखिए, वहाँ तीन लाइन बनी होती है। एक लाइन भगवान गणेश जी की होती है और दूसरे तरफ की लाइन भगवान कार्तिकेय की होती है, और बीच में जो मोटी सी लकीर होती है, ध्यान से देखिएगा, आपको वो लकीर बहुत मोटी दिखेगी, किसी भी शिवलिंग पे ऐसे ही बनाया जाता है, वह अशोक सुंदरी का स्थान होता है। वो बीच वाली लाइन जो मोटी सी है वह अशोक सुंदरी का स्थान होता है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार की जो पूजा करनी होगी, भगवान कार्तिकेय का, भगवान गणेश का या अशोक सुंदरी का, तो इस बात की जानकारी आपको रहनी चाहिए कि भगवान गणेश जी, कार्तिकेय भगवान, माता पार्वती का स्थान कहाँ होता है, यह सब जानकारी इसलिए आपको हम दे रहे हैं, यह हमेशा आपके काम में आएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें।